दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसा यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया का नया एप्लीकेशन BOI, इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको BOI मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना है और इसमें आपको ट्रांजेक्शन करनी है, पैसा भेजना है, पैसा मंगवाना है, स्टेटमेंट वगैरह देखना है, फर्स्ट टाइम अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। BOI मोबाइल एप्लीकेशन चेंज हो चुका है, इसमें रजिस्टर करने का तरीका बदल चुका है। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं BOI मोबाइल बैंकिंग, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर ऐप में चले जाना है। BOI सर्च करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर ओपन पर टच करेंगे और फिर आप यहां पर अपनी भाषा सेट करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अन्य भाषा भी इसमें दी गई है। भाषा सेट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपको अब यहाँ पर नीचे टिक मार्क करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टच करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर सेट करना है जो आपने बैंक ऑफ इंडिया बैंक में दे रखा है। तो मैं यहाँ पर SIM 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस पेज में रजिस्टर अकाउंट सबसे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थडे डालना है, मेल फीमेल आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर किया है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव डिटेल्स पर टच करेंगे और सेव डिटेल्स पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर भी OTP आएगा और आपके ईमेल आईडी पर भी OTP आएगा। जो OTP आपके मोबाइल पर आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है और जो OTP आपके ईमेल आईडी पर आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP पर टच करना है और फिर यहाँ पर आपके सामने अगला पेज कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेजने हैं या फिर पैसे मंगवाने हैं तो आपको यहाँ पर इस पर टिक मार्क नहीं करना है। अगर आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग में केवल स्टेटमेंट ही देखना है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए डेबिट कार्ड पर टच करना है और डेबिट कार्ड पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की एक्सपायर्ड डेट डालनी है और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई कार्ड डिटेल्स पर टच करना है और वेरीफाई कार्ड डिटेल्स पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट। यहाँ पर हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर सेट MPIN पर टच करने के बाद अपना MPIN सेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना 4 अंकों का MPIN बनाने के बाद प्रोसीड पर टच करना है और प्रोसीड पर टच करने के बाद आपको री एंटर MPIN में दोबारा वही MPIN डालने के बाद यहाँ पर सेट MPIN पर टच करना है। उसके बाद आपका जो MPIN है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ए न्यू MPIN इज जनरेटेड सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है और अब यहाँ पर यस एनेबल पर टच करने के बाद अपना फिंगरप्रिंट भी एनेबल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस एनेबल पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा, आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट एक बार टच करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इस एप्लीकेशन में MPIN से भी लॉगिन कर सकते हैं जो MPIN आपने बनाया था, या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट को टच करने के बाद भी इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया बैंक का ऐप BOI मोबाइल आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से BOI मोबाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।